हेलो एवरीवन वेलकम टू अद्वैत द्वेकेश मेरा नाम है अक्षय मिश्रा और हम पढ़ रहे हैं क्लास इलेवन फिजिक्स की सीरीज जिसमें हम अपना कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड हमने अपने प्रीवियस वीडियो में क्या क्या पढ़ लिया है स्टार्टिंग का जो इनिशियल पार्ट रहता है इंट्रोडक्शन इलास्टिक प्रॉपर्टीज इलास्टिक बॉडी इलास्टिसिटी प्लास्टिक बॉडी प्लास्टिसिटी स्ट्रेस स्ट्रेन के बारे में हमने पूरा अपना प्रीवियस वीडियो में कवर कर लिया है और हमने एक न्यूमेरिकल भी बनाया था अब ये वाले वीडियो में जब हम हमारा जो लास्ट जो वीडियो था उसमें हमने क्या पढ़ा था स्ट्रेन के बारे में पढ़ा था तीनों प्रकार की जो स्ट्रेन थी उसके बारे में पढ़ लिया था अब हम ये वाले वीडियो में क्या करेंगे न्यूमेरिकल्स बनाएंगे स्ट्रेस और स्ट्रेन के एक साथ तो तीन न्यूमेरिकल्स देखेंगे हम तीन या चार न्यूमेरिकल्स देखेंगे जिससे हमें एकदम अच्छे से आइडिया होगा कि स्ट्रेस और स्ट्रेन के यदि नुमेरिकल्स आए तो उसको हम एग्जाम में कैसे बना सकते हैं यदि आप प्रीवियस वीडियो नहीं देखें तो आप जाके उन्हें देखिए क्योंकि वो देखने के बाद ही आपसे ये वीडियो समझ में आएगा और ये वीडियो के नुमेरिकल्स तभी आपको समझ में आएंगे कि कैसे इतने आसानी से बन जा रहे हैं ठीक है तो जितने भी लोग चैनल में नए आए हैं वो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल का नाम है अद्वैत एजुकेशन और बिल्कुल शेयर करना ना भूलें तो प्रीवियस वीडियो में हमने क्या पढ़ लिया था स्ट्रेन के बारे में पढ़ लिया था कि कितने तीन प्रकार की स्ट्रेन होती है अब हम क्या करेंगे न्यूमेरिकल बनाएंगे स्ट्रेस और स्ट्रेन के कंसेप्ट को यूज करके तो चलिए शुरू करते हैं हमारा लेक्चर ठीक है प्रीवियस वाले वीडियो में लास्ट टॉपिक हमारा क्या था हुक्स लॉ हमने पढ़ी थी लास्ट टॉपिक क्या था हमारा हमने देखा था कि स्ट्रेस डायरेक्टली इलास्टिसिटी के बारे में हमने देखा था कि है, कितने प्रकार का होता है मॉडल ऑफ रिजिडिटी बल्क सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे तो हमने जब स्ट्रेस और स्ट्रेन पूरा पढ़ लिया है तो चलिए अब हम क्या करते हैं उससे रिलेटेड क्या करते हैं न्यूमेरिकल्स बना लेते हैं ठीक है तो शुरू करते हैं ये वाला हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा आज का ठीक है देखते हैं और क्वेश्चन को एक बार रीड करते हैं और साथ ही साथ गिवन डाटा लिखते हुए क्या बोल रहा है ठीक है बोल बोल रहा है rod, rod बोल है कंसीडर ए स्टील रॉड रॉड दिया तो याद रखेंगे सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होगा इसका मतलब ठीक है कंसीडर स्टील रॉड हैविंग रेडियस ऑफ एट एम एम ठीक है आठ एम एम का क्या दिया है हमें रेडियस दिया है एंड लेंथ ऑफ टू मीटर ठीक है लेंथ और रेडियस हमें दिया है स्टील रॉड का तो हम क्या करते हैं अपनी गिवन वैल्यूज को लिखते हुए चलते हैं ठीक है सबसे पहले हमें क्या दिया है रॉड दिया है तो एक क्या है सर्कुलर रॉड है सर्कुलर रॉड फर्स्ट चीज हमें क्या गिवन है ये वाली गिवन है इससे क्या पता मतलब चल जाएगा हमें कि एरिया कैसे निकालेंगे रॉड का ठीक है उसके बाद रेडियस दिया है आर और वो कितना दिया है हमें एट एम एम दिया है ठीक है एट एम एम है तो हम लोग क्या करेंगे पहले ही हमारा पहला स्टेप क्या रहेगा हम सब चीज न्यूटन और मीटर में सॉल्व करेंगे तो इसको हम पहले कन्वर्ट कर लेंगे किसमें मीटर में तो क्या हो जाएगा एट इन टू टेन टू दी पावर माइनस थ्री मीटर ठीक है या मैं इसको और क्या लिख सकता हूं जीरो पॉइंट जीरो जीरो एट मीटर दोनों चीज यूज कर सकते हैं हम ज्यादातर ये वाली चीज यूज करेंगे ठीक है एंड लेंथ दिया है टू मीटर ठीक है एल भी दिया है सर्कुलर रॉड है उसकी रेडियस और लेंथ दोनों दिया है तो एल तो मीटर में है ही कोई दिक्कत नहीं ठीक है फिर क्या बोल रहा है इफ ए फोर्स ऑफ 150 फिफ्टी किलो न्यूटन स्ट्रेचेस इट अलोंग इट्स लेंथ ठीक है अब क्या बोल रहा है कि 150 किलो न्यूटन की फोर्स क्या करेगी उसको स्ट्रेच करेगी स्ट्रेच करेगी इसका मतलब क्या है उसको वो खींच रही है रॉड को तो ये स्टेटमेंट पढ़ के आपको तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि जब वो रॉड स्ट्रेच हो रहा है इसका मतलब क्या होगी रॉड में कौन सी फोर्स लग रही होगी टेंसाइल फोर्स लग रही होगी मतलब रॉड में कौन सी स्ट्रेस डेवलप होगी टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होगी ठीक है स्ट्रेचेस इज अलॉन्ग इट्स लेंथ लेंथ और length भी बोल दिया और हम ये चीज पढ़ चुके हैं कि टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस का दूसरा नाम क्या होता है लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेस और उसको हम क्या बोलते हैं नॉर्मल स्ट्रेस भी बोलते हैं ठीक है तो यहां पे हमें ये चीज तुरंत दिमाग में क्लिक करनी चाहिए कि यहां पे टेंसाइल स्ट्रेस लग रही है और क्या है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस लग रही है यहां पे ठीक है और फोर्स की हमें वैल्यू दिया है तो ठीक है उसको भी लिख लेते हैं एफ हमें कितना दिया है वन किलो न्यूटन दिया है मतलब कितना होगा इसको हमें न्यूटन में लेना पड़ेगा तो वन फिफ्टी टू द पावर थ्री न्यूटन ठीक है इसको भी हमने कन्वर्ट कर दिया अलॉन्ग इट्स लेंथ देन कैलकुलेट स्ट्रेस परसेंटेज स्ट्रेन इन दी रॉड इफ दी एलोंगेशन ऑफ लेंथ इज 7.46 ठीक है तो हमें क्या कैलकुलेट करने बोल रहे हैं वो हमें क्या कैलकुलेट करने बोल रहा है फर्स्ट चीज वो बोल रहा है फाइंड करने हमें कैलकुलेट स्ट्रेस निकालने बोला है ठीक है स्ट्रेस निकालने बोला है और वो स्ट्रेस कौन सी होगी हमारी टेंसाइल स्ट्रेस कैलकुलेट करें क्योंकि स्ट्रेच कर रहा है वो रॉड को सेकंड चीज हमें क्या निकालने बोला है वो परसेंटेज स्ट्रेन निकालने बोला है ठीक है सेकंड चीज हमें क्या निकालने बोला है तो मैं साइन लगा रहा हूं परसेंटेज स्ट्रेन निकालने बोल रहा है अब जब यहां पे रॉड में टेंसाइल स्ट्रेस लग रही है तो हम स्ट्रेन भी कौन सी निकालेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन निकालेंगे यहां पे। ऑब्वियस बात है टेंसाइल स्ट्रेस के कारण रॉड में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जनरेट होगी ठीक है ठीके? वो निकालने बोला है एलोंगेशन इफ क्या बोल रहा है इन द रॉड इफ द एलॉन्गेशन इन लेंथ इज 7.46 एमएम मतलब रॉड कितना एलॉन्गेट हो रहा है खींच के कितना बड़ा हो जा रहा है डेल एल की यहां पे वैल्यू दी है तो वो भी एक वैल्यू हमें गिवन है क्या डेल एल मतलब ये क्या है एलॉन्गेशन और इसकी वैल्यू हमें कितनी गिवन दिया है वो 7.46 एमएम mm. तो इसको भी हम क्या करेंगे मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे 7.46 10 टू द पावर -3 मीटर ठीक है तो ये सब वैल्यू हमें दी है फर्स्ट हमारा काम क्या करना है हमें क्या करना है स्ट्रेस निकालना है ठीक है तो चलिए स्ट्रेस निकालते हैं ठीक है तो फर्स्ट काम हमारा क्या है स्ट्रेस निकालना है तो ठीक है चलिए निकाल लेते हैं जितने भी लोगों ने देख लिया होगा नोट कर लिया होगा बस हम निकालते हैं अपनी स्ट्रेस ठीक है और स्ट्रेस क्या होगी हमारी यहां पे कौन सी निकलेगी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस हम निकालेंगे यहां पे बिल्कुल सिग्मा टी और स्ट्रेस क्या होती है हमारी फोर्स अपॉन एरिया ठीक है फोर्स हमारी कितनी दी है 150 फिफ्टी किलोन्यूटन की फोर्स दिया है जिसको हम गिवन डाटा में लिख चुके हैं तो कितना होगा 150 फिफ्टी 10 टू दी पावर 3 ठीक है डिवाइड बाय एरिया अब क्या है सर्कुलर रॉड है तो एरिया क्या होगा हमारा एरिया को हम एरिया का फॉर्मूला क्या होगा पाई आर स्क्वायर पाई इंटू आर स्क्वायर और आर हमारा क्या है ये तो हमारी फोर्स होगी और आर हमारा कितना दिया है 8 एम mm दिया है मतलब क्या होगा ये 8 इंटू टू दी पावर माइनस मीटर होगा मीटर में लेंगे तो तो क्या हो जाएगा एट इंटू टू दी पावर माइनस का होल स्क्वायर ये क्या आ जाएगा हमारा स्ट्रेस निकालने के लिए क्यों आगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और स्क्वायर क्यों होगा क्योंकि एरिया क्या होता है सर्कुलर रॉड का पाई आर स्क्वायर या डायमीटर के फॉर्म में बात करेंगे तो पाई बाय फोर डी स्क्वायर ठीक है अब हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व कर लेते हैं सबसे पहले हम क्या करते हैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं अब आपका मेन काम यही रहेगा इस जो इक्वेशन आ गई है ये इस इक्वेशन को सॉल्व करना ही आपका मेन काम रहेगा 50 150 टू पावर पाई ठीक है मैं आपको और स्टेप भी बता दे रहा हूं ताकि आपको सॉल्व करने में क्या हो और सिंप्लीफिकेशन हो जाए ठीक है फिर उसके बाद हम एट का स्क्वायर डाल देंगे कितना सिक्सटी फोर इंटू टेन टू दावर माइनस थ्री तो क्या हो जाएगा टेन टू दी पावर सिक्स हो जाएगा स्क्वायर हो गया ठीक है अब हम क्या करेंगे कैंसल आउट कर देंगे तो ये कितना हो थर्टी टू ठीक है और ऊपर वाला क्या हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा 75. और उसके बाद क्या करेंगे हम यहां पे पाई की वैल्यू भी डाल देंगे ठीक है तो और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं और सिंप्लीफाई करने से क्या होगा कि आप कैसे भी उसको सॉल्व कर सकते हैं बट मैं आपको और थोड़ा सा स्टेप बता दे रहा हूं सेवेंटी फाइव इंटू टेन टू दी पावर थ्री है ही को भी ऊपर ले लेते हैं तो इंटू टेन टू दावर माइनस सिक्स कर लेते जाएगा सेवन चले जाएगा ठीक है नीचे क्या रहा ट्वेंटी टू क्योंकि पाई की वैल्यू हमने डाल दी और क्या बचा है नीचे में थर्टी टू ठीक है ये जो थर्टी टू बचा है टेन टू दि पावर सिक्स क्या हो गया ऊपर चले गया अब यदि हम और सॉल्व करें तो क्या करेंगे 75 7 कर लेंगे और 22 32 कर लेंगे तो 75 हम 7 करेंगे तो कितना आंसर आएगा हमारा 5 25 ठीक है और नीचे कितना आएगा 22 32 करेंगे तो 704 यही चीज आपको क्या करनी पड़ेगी बस आपका बस यही काम रहेगा कांसेप्ट आया और आपको सॉल्व करें 10 टू द पावर क्योंकि ये क्या होगा 10 टू द पावर और यहाँ पे ये यह जो माइनस सिक्स है ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा ठीक है तो क्या हो जाएगा थ्री इंटू सिक्स हो गया तो सिक्स क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा हमारा. तो, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा सिग्मा टी कितना आएगा हमारा टेंसाइल स्ट्रेस की वैल्यू कितनी आ जाएगी इन लोग दोनों को डिवाइड करते हैं डिवाइड करके हमारा आंसर आ जाएगा जीरो पॉइंट सेवन फोर इंटू टेन टू पावर नाइन ठीक है ये क्या आ जाएगी हमारी टेंसाइल स्ट्रेस की वैल्यू आ जाएगी और अच्छे से लिखना चाहेंगे तो कितना आ जाएगा ये सेवन पॉइंट फोर इंटू टेन टू पावर एट एक जीरो कम कर देंगे हम पॉइंट आगे ले लेंगे और किसमें आएगी यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ठीक है ये इसकी सेवन पॉइंट फोर इन टू टेन टू दी पावर एट न्यूटन पर मीटर गया फर्स्ट तो वाला, वाला आप देख सकते हैं अब उसके बाद फर्स्ट चीज हमने स्ट्रेस सेकंड चीज परसेंटेज स्ट्रेन निकालना है तो उसके पहले हम क्या करेंगे स्ट्रेन निकाल लेंगे ठीक है चलिए सेकंड चीज निकालते हैं अब सेकंड चीज हमें क्या निकालनी है परसेंटेज स्ट्रेन ठीक है तो उसके पहले हम क्या करेंगे स्ट्रेन कैलकुलेट कर लेंगे अब यदि स्ट्रेन देखेंगे तो स्ट्रेन कौन सी वाली होगी टेंसाइल स्ट्रेस जब लग रही है तो स्ट्रेन कौन सी आएगी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आएगी उसमें खिंचाव वाली और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का फॉर्मुला हमने क्या पढ़ा है डेल एल बाई एल यही चीज है डेल एल बाई एल होगा अब हम क्या करेंगे वैल्यू पुट कर देंगे डेल एल की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है कितना mm और इसी को यदि मैं मीटर में लिखूं तो क्या हो जाएगा सेवन पॉइंट माइनस थ्री मीटर यही हो जाएगा तो अब क्या करेंगे यहां पे वैल्यू पुट कर दूंगा सेवन पॉइंट फोर सिक्स इंटू टेन टू दावर माइनस थ्री डिवाइड बाय एल लेंथ कितनी दी है रॉड की हमें गिवन है कितनी टू मीटर तो यहां पे क्या आ जाएगा नीचे सीधा टू आ जाएगा आप सेवन पॉइंट फोर सिक्स डिवाइड करेंगे 10 मैं भी सॉल्व करके देख चुका हूँ एक बार मैं कैलकुलेट करके देख चुका एग्जैक्ट यही आंसर आएगा चेंज नहीं होगा ठीक है और क्या होगी यूनिट इसकी मीटर ठीक है एक और तरीके से इसको क्या लिख सकते हैं हम पॉइंट में यदि लिखेंगे तो थ्री पॉइंट सेवन थ्री इंटू टेन टू दावर माइनस थ्री मीटर ठीक है क्या आ गया हमारा ये आ गया हमारा लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेन की वैल्यू आ गई हमें क्या करना है परसेंटेज स्ट्रेन निकालना है तो कुछ नहीं करेंगे परसेंटेज स्ट्रेन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा सौ से मल्टीप्लाई कर देंगे परसेंटेज के लिए क्या करेंगे हम जो ये है इसको मैं, हम क्या करेंगे सौ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितनी वैल्यू है अच्छे से लिखते हैं. 3 10 इसके नीचे थाउजेंड आ जाएगा ठीक है और इनटू क्या है हंड्रेड देखते हैं कैंसल आउट करते हैं ये दो जीरो और ये पूरा क्या हो गया खत्म हो गया ठीक है तो क्या हो गया थ्री पॉइंट सेवन थ्री डिवाइड बाई टेन तो कितना आ जाएगा

ठीक है तो ये वाला क्वेश्चन क्या हो गया हमारा कंप्लीट हो गया आगे बढ़ते हैं दूसरा एग्जांपल देखते हैं ठीक है नेक्स्ट अब हम ये वाला एग्जांपल देखते हैं अब ये क्या है ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन लिए रहेगा एक लेंथ वाली मतलब लॉन्गिट्यूडनल uh, स्ट्रेन से क्वेश्चन कर लिया हमने अब एक वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का क्वेश्चन देखते प्रीवियस क्वेश्चन भी एकदम सिंपल था कुछ नहीं करना है फॉर्मुला में वैल्यू रखना है और आपका सीधा आंसर अच्छा आएगा बस आपको मल्टीप्लाई डिवाइड एकदम अच्छे से करना है और यही चीज की आप प्रैक्टिस करिए कि मैं बड़ी बड़ी इक्वेशन को सॉल्व कर लू एग्जाम में बाकी आपको वैल्यू रखने में और मीटर वीटर में कन्वर्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी ठीक है तो सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कंसिडर ए सॉलिड क्यूब ठीक है एक सॉलिड क्यूब है विच इज

क्या निकालनी है हमें वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालनी है कब एक जो क्यूबिकल क्यूबिकल सॉलिड है जिसमें क्या प्रेशर लग रहा है सिक्सटी टू ट्वेंटू पावर फाइव का और उसकी उस वो प्रेशर लगने के कारण क्या हो रहा है सब तरफ से लग रहा होगा उसमें प्रेशर तो प्रेशर लगने के कारण वो क्यूब छोटा हो जा रहा होगा

डेलवी बाई वी आपको ये चीज निकालनी है आप ठीक है तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ठीक है तो सबसे पहले यहां पे हमें पहले कुछ कुछ चीजें लेनी पड़ेगी फर्स्ट पॉइंट देखते हैं ठीक है लेट एल बी क्या करेंगे हम थोड़ा थोडा सा मतलब एज्यूम करते हुए चलेंगे साइड ऑफ ठीक है एल क्या बोल रहे हैं हम एज्यूम कर लेने कि एल क्या होगी क्यूब की क्या होगी साइड होगी ठीक है और उसकी क्या होगी इनिशियल लेंथ होगी। मतलब क्यूब की साइड और एक और चीज क्या होगी ठीक है मतलब स्टार्टिंग की उसकी लेंथ जब वो क्या है उसकी दो परसेंट कम नहीं हुई है तब तो टोटल एल होगी तो अब यदि यहां पे हम देखें तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी इनिशियल वॉल्यूम किसकी क्यूब की वॉल्यूम क्या हो जाएगी इनिशियल वॉल्यूम एल इंटू एल इंटू एल यही हो जाएगी वॉल्यूम मतलब क्या हो जाएगा एल क्यूब और यही क्या है ये क्या है जो सॉलिड है क्यूबिकल सॉलिड उसकी इनिशियल वॉल्यूम है आई और इसको मैं क्या बोल सकता हूं प्रेशर नहीं हुई? जब उसमें मतलब एक प्रकार से इसको लग रही, मतलब पानी में डुबाए होंगे तो एल उसकी इनिशियल लेंथ और ये क्या है वी आई जो उसका इनिशियल वॉल्यूम है वो क्या है उसका एल क्यूब है अब उसके बाद जब हमने उसको पानी में डुबाया तो उसके बाद उसकी हर एक लाइन क्या हुई दो परसेंट कम हुए ठीक है तो उसके लिए लिखते हैं इफ इफ ईच साइड ऑफ क्यूब इफ ईच साइड ऑफ क्यूब इज शॉर्टन बाई टू परसेंट ठीक है हर एक साइड क्यूब का क्या हो रहा है दो परसेंट कम हो रहा है देन अब हम क्या निकालेंगे देन फाइनल लेंथ ऑफ क्यूब अब हम क्या करेंगे क्यूब की क्या निकालेंगे हम फाइनल लेंथ निकालेंगे ठीक है तो फाइनल लेंथ क्या होगी जो इनिशियल लेंथ उससे दो परसेंट कम कर देंगे तो क्या होगा इनिशियल लेंथ टू परसेंट ऑफ एल यही होगी उसकी फाइनल लेंथ लेंथ जितनी भी उसकी थी, क्या है? उसकी क्या एक लेंथ दो परसेंट कम हो रही है तो ठीक है जितनी लेंथ है उससे क्या कर सकते हैं हम दो परसेंट माइनस कर देते हैं बिल्कुल तो फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं एल माइनस टू एल बाई हंड्रेड लिख सकते हैं ऐसा परसेंट को नीचे ले लिए मतलब परसेंट मतलब क्या होगा एल का दो परसेंट निकालना है तो जीरो पॉइंट जीरो टू परसेंट ही होगा और जीरो पॉइंट जीरो टू को मैं क्या लिख सकता हूं टू बाई हंड्रेड लिख सकता हूं बिल्कुल लिख सकता हूं अब मैं क्या करूंगा यहां से एल को कॉमन ले लूंगा तो कितना आ जाएगा एल को मैं क्या किया बाहर निकाल लिया तो यहां से निकला तो यहां आ गया वन माइनस ठीक है टू एल है तो क्या बचेगा यहां पे टू बाई हंड्रेड ये क्या आ गया हमारा उसकी क्या आ गई फाइनल लेंथ आ गई एल ब्रैकेट के अंदर वन माइनस टू बाई हंड्रेड क्या है उसकी फाइनल लेंथ है अब हम क्या करेंगे जब हमें फाइनल लेंथ मिल गई है तो हम यहां से क्या कर सकते हैं फाइनल वॉल्यूम निकाल सकते हैं बिल्कुल फाइनल वॉल्यूम निकाल सकते हैं तो फाइनल वॉल्यूम क्या होगी वी एफ लेते हैं ठीक है और फाइनल वॉल्यूम क्या होगी जैसे ट्रिपल इनटू एल तीन एल को इनटू किए थे एल क्यूब तो इसी का पूरा क्यूब होगा फाइनल वॉल्यूम भी तो फाइनल वॉल्यूम क्या होगी इसी वैल्यू का मैं क्या कर दे रहा हूं क्यूब कर दे रहा हूं तो एल क्यूब ब्रैकेट में वन माइनस टू बाई एल भी है यहां पे और क्यूब यही होगा विजिबल है हाँ बिल्कुल ठीक है तो क्या होगा सिंपल फाइनल वॉल्यूम आ जाएगी और इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं तो वी एफ क्या क्यूब है? है हमारी इनिशियल वॉल्यूम एल क्यूब क्या है हमारी इनिशियल वॉल्यूम है एल क्यूब क्या है हमारा वी आई या हम उसको वी बोल सकते हैं यहां पर हम क्या रख लेंगे वी रख लेंगे ठीक है एल क्यूब आ गई इनिशियल वॉल्यूम ब्रैकेट में वन माइनस टू वन माइनस क्या है ठीक है यहां पे एल हम यहां पे क्या होगा एल नहीं आएगा क्यों क्योंकि एल को तो हम कॉमन निकाल लिए तो वन माइनस टू बाई हंड्रेड तो अब क्या हुआ जब यहां से निकाल लिए लिया क्यूब है ये v आ गया तो 1 by 2 by 100 का क्यूब वी आएगा यहां पे वी क्यूब नहीं आएगा क्योंकि हमने एल क्यूब की वैल्यू रख दी ठीक है ये क्या आ गया हमारा फाइनल वॉल्यूम आ गया फाइनल वॉल्यूम का एक्सप्रेशन आ गया ठीक है अब हमको क्या मिल गया फाइनल वॉल्यूम भी मिल गया

एक बार यदि आप नोट नहीं किए होंगे तो एक बार शुरू किएगा, पॉज करिएगा पॉज करके आप पूरा नोट कर सकते हैं पूरा चीज दिख रही होगी आपको बिल्कुल ठीक है तो अब मैं क्या करूंगा सीधा आगे बढ़ता हूं और मैं फाइनल वॉल्यूम निकालूंगा ठीक है तो अब हम निकालेंगे चेंज इन वॉल्यूम क्योंकि हमें क्या निकालना है डेलवी निकालना है ठीक है और चेंज इन वॉल्यूम क्या होगी हमारी डेलवी टू क्या होगा फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम जितनी फाइनल थी उसी से हम क्या करेंगे इनिशियल को माइनस कर देंगे ठीक है अब हमारी जो फाइनल वॉल्यूम थी वो क्या आई वी ब्रैकेट में वन माइनस टू बाई हंड्रेड का होल क्यूब ठीक है और इनिशियल वॉल्यूम क्या थी हमारी वी आई मतलब क्या था वी था नॉर्मल यही चीज था यहां से क्या करेंगे हम अब ना वी को क्या कर लेंगे हम कॉमन निकाल लेंगे ये जो वी है इसको हम क्या कर लेंगे कॉमन निकाल लेंगे बिल्कुल जैसी वी को हम कॉमन निकालेंगे अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा वन माइनस टू बाई हंड्रेड ठीक है ये टर्म माइनस वन ये बचा ब्रैकेट में और इधर पे क्या है डेलवी तो चल ही रहा है साथ में ठीक है अब उसके बाद हमें क्या निकालनी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालनी थी ये वी को क्या करेंगे डेलवी तो के नीचे दे देंगे तो डेल्वी बाई वी ठीक है ये वी को डेलवी के नीचे दे दी आ गया ये हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बन गया जो चीज हमें कैलकुलेट करनी थी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालनी थी तो वी को क्या कर दिया इसके नीचे दे दिया मतलब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो गया यहीं से हमारा शुरू हो रहा है ठीक है और इधर पे क्या बचा होगा इधर पे बची है ये वाली वैल्यू वन माइनस टू बाई हंड्रेड का क्यूब भी है यहां पे क्यूब चल रहा है साथ में क्यूब माइनस वन ठीक है अब क्या करेंगे हम हमको ये वाली वैल्यू को पूरा सॉल्व करना है तो इसको आप नॉर्मली भी सॉल्व कर सकते हैं या आप क्या कर सकते हैं तुरंत एक बाइनोमियल एक्सपांशन का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं और वो फॉर्मूला क्या होता है हमारा वन माइनस एक्स की पावर एन ये क्या होता है लगभग किसके बराबर होता है वन माइनस एन एक्स के ठीक है बिल्कुल वन माइनस एक्स एन या एन एक्स लिख सकते हैं आप ये दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं ये क्या होता है इसके बराबर होता है तो इसका मतलब क्या होगा ये जो पावर है ये क्या आ जाएगी सीधा टू से क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई हो जाएगी ऐसा कब होगा जब x क्या होगा बहुत ज्यादा छोटा होगा किससे से वन से ठीक है तब क्या होगा ये वाला फॉर्मूला लगेगा मगर यदि आप चाहें और इसको नॉर्मल सॉल्व करना चाहें ना तो भी आंसर वही आएगा आंसर कितना आ रहा है जीरो पॉइंट नाइन फोर आ रहा है हाँ दीदी आप इसको नॉर्मल भी सॉल्व करेंगे ना तो भी आपका आंसर ही कितना आएगा 0.94 आ रहा है आंसर और इससे भी सॉल्व करेंगे तो भी उतना ही आएगा तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं जैसे ही आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर आएगा इस पूरी टर्म का आंसर कितना आ जाएगा 0.94 आ जाएगा आपका बिल्कुल तो अब हम क्या करते हैं इसको सॉल्व करते हैं तो dv/v वी वी क्या हो जाएगा माइनस थ्री क्या आ जाएगा टू के पास आ जाएगा ये वाले में तो कितना हो जाएगा ये टू इंटू थ्री बाई हंड्रेड ठीक है और यहां पे एक माइनस वन तो था ही तो टू इंटू थ्री इंटू हंड्रेड कितना और सिक्स डिवाइड बाई हंड्रेड कितना हो जाएगा जीरो पॉइंट जीरो सिक्स जीरो पॉइंट जीरो सिक्स माइनस वन ठीक है यही चीज रहेगी हमारे पास जीरो पॉइंट जीरो सिक्स माइनस वन और यहां से हम एक और चीज क्या कर सकते हैं कैंसल आउट कर सकते हैं ये प्लस वन और ये माइनस वन तो आंसर कितना आएगा हमारा माइनस ठीक है माइनस जीरो माइनस में आई है? है कोई दिक्कत नहीं वॉल्यूम वो माइनस क्या दिखा रहा है कि वॉल्यूम कम हो रहा है ऑब्वियसली बात है वॉल्यूम कम हो रहा है जब उसमें हम प्रेशर लगा रहे हैं तो 0.06 पॉइंट जीरो सिक्स क्या आ गया हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आ गई तो अब हम क्या करेंगे नोट कर सकते हैं आप इसको स्क्रीनशॉट लेके तो अब हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा आंसर क्या होगा हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या करेंगे हम पॉजिटिव साइन लेंगे क्योंकि वॉल्यूम तो पता है हमें रिडक्शन हो रहा है इसलिए माइनस में आ रही है तो आंसर क्या आ जाएगा जीरो पॉइंट जीरो सिक्स ये क्या आ जाएगी हमारी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की वैल्यू आ जाएगी और यही चीज क्या बोला है हमें कैलकुलेट करने बोला है वो क्वेश्चन में वही निकालने बोला है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकाल लें तो हमारी जीरो पॉइंट आ जाएगा ठीक है और पॉजिटिव साइन लेंगे क्यों क्योंकि वॉल्यूम में रिडक्शन हो रहा है इसलिए आंसर क्या होगा नेगेटिव में आ रहा है बट कोई प्रॉब्लम नहीं आंसर क्या आएगा हमारा जीरो पॉइंट जीरो सिक्स आएगा ठीक है तो ये क्वेश्चन क्या हुआ एक वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन से रिलेटेड हुआ आगे बढ़ते हैं इसको भी आप नोट कर लीजिएगा पॉज करके ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था बट ऐसे क्वेश्चन बनाने चाहिए क्योंकि ऐसा क्वेश्चन क्या होता है पूछता है आपसे एग्जाम में ना क्योंकि बाकी जो नॉर्मल रहते रहते हैं हैं वो एकदम सिंपल डाटा करो आपका आंसर आ जाएगा बस आप मल्टीप्लाई और डिवाइड अच्छे से करते हैं तो आपका आसानी से बन जाएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब क्या हुआ एक लेंथ का हो गया एक वॉल्यूमेट्रिक हो गया अब एक क्या होगा एक शीयर स्ट्रेन का क्वेश्चन देखते हैं ठीक है एक शियर स्ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है इफ एंगल ऑफ इज डिग्री मतलब क्या दिया है हमें थीटा की वैल्यू दिया है ऑफ ए क्यूबिकल बॉडी एंड चेंज इन लेंथ इज 250 सेंटीमीटर देन व्हाट मस्ट बी वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूबिकल बॉडी क्या निकालना है हमें इस क्यूबिकल बॉडी का वॉल्यूम निकालना है कि वो क्यूबिकल बॉडी का क्या है वॉल्यूम कितना है ठीक है चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं ये वाला तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है देखते हैं हमें गिवन वैल्यूज क्या है यदि आप एग्जाम में क्वेश्चन बनाते हैं और ऐसा गिवन लिखते हैं तो आपको बहुत फायदा होगा और इससे बहुत नंबर भी मिलता है और इससे यह भी होता है कि आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट तो किया है एटलीस्ट बहुत सारे बच्चे लोग ऐसी करते हैं कि कम से कम अटेम्प्ट तो करते हैं क्वेश्चन को तो गिवन लिख के बनाना चाहिए कोई प्रॉब्लम नहीं है एक सेकंड लगता है ज्यादा लेट भी नहीं होता है और उससे क्या होता है शो भी अच्छा होता है वो बहुत सारे स्टूडेंट्स लोग तो आगे जाके इंजीनियरिंग तक में गिवन इवन लिख के चलते हैं सब लोग ना ठीक तो है तो क्या, क्या, मतलब क्या दिया है हमें एंगल ऑफ शियर दिया एंगल ऑफ शियर को हम क्या बोलते हैं थीटा बोलते हैं ठीक है थीटा की वैल्यू दी है हमें कितना थर्टी डिग्री हमने देखा है शीयर स्ट्रेन में क्या होता है ऑफ अ क्यूबिकल बॉडी और बॉडी कैसी है क्यूबिकल बॉडी ठीक है एंड चेंज इन लेंथ चेंज इन है हमें डेल एल दिया डेल एल की वैल्यू दी है चेंज इन मतलब और वो कितना दिया है 250 सेंटीमीटर इसका मतलब क्या हो जाएगा 2.50 या 2.5 मीटर क्यों 2.5 मीटर हो जाएगा क्योंकि एक मीटर में कितना होता है 100 सेंटीमीटर होता है तो 2.5 मीटर दिया है अब हमें निकालने बोला है देन व्हाट मस्ट बी वॉल्यूम ऑफ दिस

शियर शियर स्ट्रेन क्या होता है हमारा टेन थीटा इजिकल टू डेल एल बाई एल ठीक है यही दिया है हमें वैल्यू पुट कर देंगे कितना होगा टेन थर्टी डिग्री इजिकल टू क्या होगा डेल एल बाई एल डेल एल की वैल्यू हमें दी है कितनी टू पॉइंट फाइव और यही एल क्या करना है हमें कैलकुलेट करना है अब कुछ चीजें अब याद रखेंगे क्या एक चीजें याद रखने लायक है और ये चीजें ऐसी होती है ना जो हमेशा काम आती है जैसे टेन थर्टी डिग्री की वैल्यू वन बाई रूट थ्री होती है ठीक है और इसके साथ साथ ना आपका सबसे बढ़िया क्या होगा कि आप ना हमेशा रूट थ्री और रूट टू की वैल्यू हमेशा याद रखें तो क्या होगा आपको बहुत फायदा होगा वन पॉइंट सेवन थ्री और वन पॉइंट फोर वन ये वैल्यूज आप हमेशा याद रखिए क्योंकि क्या होता है ये सब चीजें याद रखने से ना आपके न्यूमेरिकल्स क्या होंगे बहुत जल्दी बनेंगे तो ये सब चीजें आप हमेशा याद रखने की आदत डालिए और एंगल्स तो आपको सारे याद रखने ही पड़ेंगे साइन सिक्सटी साइन फोर्टी साइन ट्वेंट थर्टी सिक्सटी नाइनटी सबकी वैल्यू या कॉस्ट की पूरी वैल्यू ये सब वैल्यू अब याद रखते हैं तो आपको ज्यादा फायदा होगा बट अब ये दोनों चीजें भी याद रखिए रूट थ्री की वैल्यू और रूट टू की वैल्यू क्योंकि जब भी आप न्यूमेरिकल्स बनाएंगे तो आपका क्या होगा यदि आपको ये वैल्यू याद है तो आप तुरंत उसको वो कर सकते हैं और उसको सॉल्व कर सकते हैं ठीक है तो टेन थर्टी डिग्री की वैल्यू हमें डालनी है तो टेन थर्टी डिग्री कितना होगा हमारा वन बाई रूट थ्री होगा और यहां से हमें क्या करना है एल निकालना है तो और सिंपलीफाई करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा एल इक्वल टू टू पॉइंट फाइव एल इधर आ जाएगा टेन थर्टी डिग्री थर्टी डिग्री ठीक है तो क्या हो जाएगी यहां पर टू पॉइंट फाइव और टेन थर्टी डिग्री की वैल्यू क्या होती है वन बाई रूट थ्री होती है ऊपर है तो ऊपर आ जाएगा इन टू में इंटू रूट थ्री ठीक है तो अब हम यहां से सॉल्व कर लेंगे एल इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 2.5 इंटू रूट थ्री का हमें वैल्यू याद रखनी है 1.73 ठीक है सही हो <coughs> बिल्कुल तो एल आ जाएगा हमारा कितना इसको यदि हम सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे मैं भी कर लिया आप भी करेंगे एकदम एग्जैक्ट आंसर आएगा फोर पॉइंट थ्री टू फाइव मीटर ये क्या आ गया हमारा लेंथ आ गया पर अगर हमें निकालना क्या है हमें निकालना है वॉल्यूम तो वॉल्यूम क्या होगी एल क्यूब इसका मतलब फोर पॉइंट थ्री टू फाइव का क्यूब तो वॉल्यूम कितनी आ जाएगी हमारी सॉल्व करेंगे फोर पॉइंट एट्टी पॉइंट हाँ एट्टी पॉइंट नाइन जीरो मीटर क्यूब ए पॉइंट नाइन जीरो मीटर क्यूब यूनिट्स एकदम लगाना जरूरी वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है? मीटर क्यूब और हम क्या बोल सकते हैं V टू क्या हो जाएगा? राउंड ऑफ कर दिए तो 81 मीटर क्यूब तो ये क्या आ गया हमारा आंसर आ गया एकदम सिंपल क्वेश्चन है ये इसमें कोई दिमाग लगाना नहीं है ज्यादा बस आपको सियर स्ट्रेन का फॉर्मूला पता है ये वाला तो आपसे क्वेश्चन ऐसी बन जाएगा आसानी से बस आपको क्या करना है उसके बाद सॉल्व करना है उसको तो आगे आपका वॉल्यूम आ गया एन मीटर क्यूब और वही हमें निकालने बोला मस्ट बी वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूबिकल बॉडी तो क्वेश्चन एकदम सिंपल रहते हैं बस आपको फॉर्मुला पता है तो आप वैल्यू डालिए मल्टीप्लाई डिवाइड सही करना है बस आपको और आपके क्या हो जाएंगे क्वेश्चन बन जाएंगे बाकी और भी बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे जितने भी मैक्सिमम टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो तो मैं आपको कराऊंगा ही बिल्कुल ठीक है तो आगे बढ़ते हैं अब ये वाला क्वेश्चन हुआ अब एक और क्वेश्चन करते हैं पॉज करके आप नोट कर सकते होंगे अब उसके बाद एक ये वाला क्वेश्चन कर दें ठीक है तो फर्स्ट हम क्या करेंगे क्वेश्चन रीड करेंगे और साथ ही साथ अपनी गिवन वैल्यूज को भी लिखते हुए चलेंगे ठीक है तो क्या बोल रहा है आफ्टर ए फॉल ठीक है मतलब गिरने के बाद अ ए रॉक क्लाइंबर फाइंड हिमसेल्स डैंगलिंग फ्रॉम द एंड ऑफ द रोप दैट हैड बीन फिफ्टीन मीटर लॉन्ग एंड नाइन पॉइंट सिक्स एम एम इन डायमीटर बट हैज स्ट्रेच बाई 2.8 सेंटीमीटर मतलब क्या हो रहा है एक रॉक क्लाइंबर था और वो क्या कर चढ़ कर रहा था पहाड़ में चढ़ रहा था और क्या हो गया स्लिप हो गया और वो गिर गया तो रॉक क्लाइंबर लोग जब पहाड़ में चढ़ते हैं तो क्या करते हैं जितना वो चढ़ते जाते हैं उतना वो क्लिप लगाते हो जाते हैं ताकि कहीं से गिर जाए तो वो क्लिप से बच जाए जैसे जितना ऊपर चढ़े हैं अब गिर गए तो फिर थोड़ा ना उतना चढ़ना पड़ेगा और मर भी सकते हो तो क्या होगा कि क्लिप लगा लगा के चढ़ते हो थोड़ा ऊपर चढ़े वहां पे जहां से प्लेस मिली वहां पे एक क्लिप लगा देंगे फिर ऊपर चढ़े फिर क्लिप लगा देंगे फिर ऊपर चढ़ेंगे तो वैसे क्या हुआ एक रॉक क्लाइंबर चढ़ रहा था और वो क्या हुआ स्लिप होकर गिर गया जैसी वो गिरा ना तो वो क्लिप लगा के रखा था और क्लिप से क्या थी रोप से वो अटैच था तो वो रोप खिंचाई जैसी वो ऊपर से गिरा रोप खिंचाई तो ये रोप के स्ट्रेन का क्वेश्चन है रोप में जो स्ट्रेस हो रही है उस पे क्वेश्चन है तो यहाँ पे क्या दे रहा है रॉक क्लाइंबर का वेट दिया मतलब मास दिया नाइनटी फाइव के जी ठीक है और क्या बोल रहा है डेंगलिंग मतलब लटक रहा है वो क्लिप से फंसा हुआ है और लटक रहा है पहाड़ में ठीक है फ्रॉम द एंड ऑफ अ रोप दैट हैज बीन मीटर लॉन्ग मतलब ये क्या दिया है उसकी लेंथ दिया है ठीक है तो अब हम क्या करते हैं गिवन लिखते हुए चलते हैं। क्या दिया है सबसे पहला मास दिया है मतलब एम और ये मास किसका है उस पर्सन का है मतलब रॉक क्लाइंबर का है। और वो कितना बोल रहा है 95 फाइव दिया है अब यहां पे जो ये मास दिया है तो मास से हम क्या करेंगे मास से हमें निकालना पड़ेगा उसका वेट और वेट क्या होती है फोर्स होती है क्योंकि वेट की यूनिट क्या होती है न्यूटन होती है तो हमें क्या करना पड़ेगा इसका यहां से क्या करना पड़ेगा वेट निकालना पड़ेगा ठीक है यहां से हम क्या निकाल लेंगे वेट और डब्ल्यू इजिकल टू क्या होगा एम जी ठीक है और वेट और स्लैश में लिख देता हूँ फोर्स भी लिख देता हूँ दोनों का मतलब क्या होगा सेम होगा क्योंकि दोनों की यूनिट क्या होती है सेम होती है ठीक है मास कितना दिया है हमें 95 और g क्या होता है यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसकी वैल्यू कितनी होती है 9.8 भी ले सकते हैं और एक्यूरेटली सॉल्व करने के लिए नाइन तो जैसे आप इसको सोल्व करेंगे नाइनटी फाइव कितना आएगा नाइन न्यूटन तो ये ये क्या आ फोर्स आ गई गई फोर्स फोर्स समें लग रही होगी वो जो रोप है उसमें और दोनों तरफ से लग रही होगी नीचे वाला और ऊपर से तो वो फिक्स है तो वहां से भी फोर्स लग रही होगी तो ये फोर्स किसमें लग रही होगी उस जो रॉड है मतलब जिस रोप से वो लटका है वो रोप का ये एफ की वैल्यू है ठीक है आगे बढ़ते हैं फिर उसके बाद क्या बोल रहा है डेंगलिंग फ्रॉम द एंड ऑफ द रोप दैट हैज बीन 15 मीटर लॉन्ग ठीक है तो रोप की लेंथ दी है कितना मीटर, ओके, एंड इन डायमीटर। डायमीटर मतलब क्या दिया है हमें? का भी दिया हमें का भी है। इसके पहले सारे क्वेश्चन में रेडियस देके कोई प्रॉब्लम नहीं नाइन पॉइंट सिक्स एम एम एंड नाइन पॉइंट सिक्स एमएम इन डायमी नाइन पॉइंट सिक्स एम एम तो इसको हम क्या करना पड़ेगा चेंज करना पड़ेगा मीटर में नाइन पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू दावर माइनस थ्री मीटर ठीक है ये क्या आ गया हमारा डायमीटर में आ गया बट हैज सेंटीमीटर अब क्या बोल रहा है कितना वो स्ट्रेच हुआ है वो भी वैल्यू दिया है इसका मतलब क्या है ये क्या वैल्यू दिया है डेल एल की वैल्यू दिया है कि वो जो स्ट्रोप मतलब जो रोप है वो कितना स्ट्रेच हुई है टू पॉइंट एट सेंटीमीटर हर चीज को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा 2.8 पॉइंट एट इंटू टेन टू दावर माइनस टू मीटर ठीक है क्योंकि एक मीटर में क्या होता है 100 सेंटीमीटर होता है तो क्या हो जाएगा 2.8 पॉइंट एट इंटू टेन टू दावर माइनस टू मीटर हो जाएगा और कुछ गिवन डाटा दिया है क्या कुछ नहीं दिया है तो क्या निकालने बोला है फॉर द रोप कैलकुलेट स्ट्रेन निकालने बोला है हमें क्या निकालने बोला है फर्स्ट द स्ट्रेन द स्ट्रेस एंड द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी निकालने बोला है ठीक है मतलब स्ट्रेन निकालने बोला है स्ट्रेस निकालने बोला है और ई e निकालने बोला है हमें ठीक है तो चलिए कैलकुलेट करते हैं इसको आप देख लेंगे क्या मतलब एक बार पॉज करके नोट कर लेंगे आगे बढ़ते हैं ठीक है तो सॉल्व करते हैं इसको अब फर्स्ट चीज हमें क्या निकालने बोला है सबसे फर्स्ट चीज हमें निकालने बोला है स्ट्रेन तो ठीक है चलिए सबसे फर्स्ट चीज कैलकुलेट करते हैं हम ठीक है अब जो रोप है जिससे वो लटक रहा है उसमें कैसी स्ट्रेन पैदा होगी स्ट्रेस कैसी पैदा हो रही है ऑब्वियसली टेंसाइल स्ट्रेस लग रही है मतलब टेंसाइल फोर्स लग रही है तो टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होगी और स्ट्रेन कौन सी डेवलप होगी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन डेवलप होगी ठीक है तो हम क्या करेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन निकालेंगे तो और इसकी वैल्यू कितनी होगी डेल एल बाय एल ठीक है वैल्यू हमें दिया है कि वो रो, रोप कितना स्ट्रेच हुआ है कितना वैल्यू दिया था हमें 2.8 10 टू द पावर -2 यही वैल्यू दिया था और लेंथ कितनी दिया था उसकी 15 मीटर लेंथ भी हमें क्वेश्चन में गिवन थी तो यहां से हम सॉल्व करेंगे तो हमारी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितनी आ जाएगी जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे सिंपलीफाई कर सकते हैं हम इसको ठीक है और सिंप्लीफाई करते हैं पॉइंट को ना नीचे ले लेते हैं तो ट्वेंटी एट इन टू टेन टू दावर माइनस टू तो अभी ऊपर में ही है ठीक है ये पॉइंट हटा दे रहा हूं मैं तो क्या हो जाएगा 15 into 10. और मैं आपको करके बता देता हूं और यदि इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा ये माइनस टू वाला नीचे है तो क्या हो जाएगा ट्वेंटी एट डिवाइड बाय फिफ्टीन इंटू ये नीचे आ जाएगा तो टेन टू दी पावर क्या आ जाएगा थ्री आ जाएगा टेन की पावर में 3 आ जाएगा अब आप इसको सिंपली डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा वॉल्यूमेट्रिक सॉरी लोंगिट्यूडनल स्ट्रेन की वैल्यू आ जाएगी एप्सिलॉन एल की और वो कितना आएगा 0. 0.0 1 8 मीटर ठीक है या इसको आप 10 टू द पावर में लिखना चाहें तो 1.8 10 टू द पावर -3 मीटर ठीक है ये क्या आ गया आपका एक आंसर आ गया है, जो वो निकालने बोला है सबसे पहले क्या बोला था दस स्ट्रेन अब हम क्या करेंगे सेकेंड चीज निकालेंगे क्या जो वो कैलकुलेट करने बोला है स्ट्रेस और स्ट्रेस भी कौन सी होगी यहां पे टेंसाइल स्ट्रेस लग रही होगी मतलब सिग्मा टी निकालने बोला है वो ठीक है चलिए इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं और सिंपल हमारा स्ट्रेस का फॉर्मला क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया और फोर्स हम निकाले थे एम इंटू जी कैलकुलेट करके कितना निकाले थे एरिया अब एरिया एरिया क्या होगा पे area की वैल्यू होगी पाई बाई फोर डी स्क्वायर इसकी वैल्यू क्या होगी बाई फोर इंटू डी स्क्वायर तो हम क्या करेंगे यहां पे वैल्यू रख देंगे पाई यहाँ पे फोर ऊपर इंटू कर देते हैं अभी से ही ठीक है इन डी डायमीटर कितना दिया हुआ था हमें 9.6 दिया, दिया हुआ था ठीक है 9.6 वो भी किसमें दिया हुआ था एम mm में दिया हुआ था तो 9.6 पॉइंट सिक्स टू टेन दी पावर माइनस थ्री अभी यह मीटर में हुआ और पाई बाय फोर डी स्क्वायर तो इसका स्क्वायर ठीक है ये क्या आ गया हमारा वैल्यू आ गया अब आपको क्या करना है आपको इसको सॉल्व करना है सॉल्व करते हैं इसको तो सिंपलीफाई करके भी लिख सकते हैं सबसे पहले तो नॉर्मली हम ऐसे सिंपलीफाई करते हैं ठीक है मैं आपको स्टेप्स भी बता देता हूं कि कैसे-कैसे वो आएगा फर्स्ट क्या है 931.95 4 ऊपर वाली टर्म को अभी ऐसे ही रखते हैं ठीक है न्यूमरेटर टर्म को हम क्या करते हैं पहले तो उसका स्क्वायर कर देंगे पाई 9.6 का हम क्या कर लेते हैं पहले स्क्वायर कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 92. वन सिक्स इंटू टेन टू दावर माइनस सिक्स ठीक है एक स्टेप ये हो जाएगा उसके बाद और हम क्या कर सकते हैं यहां पे हम क्या करेंगे पाई की वैल्यू डाल देंगे सिंपली तो सेम ये क्या हो जाएगा ट्वेंटी टू बाई सेवन हो जाएगा और जैसे आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे आप आराम से बैठ के इसको सॉल्व कर सकते हैं तो आंसर कितना आएगा ट्वेल्व पॉइंट एट सेवन इंटू टेन टू दावर सिक्स ये क्या आ जाएगा सिक्स और स्ट्रेस है तो उसकी यूनिट क्या होगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्योंकि फोर्स अपॉन एरिया और इसको हम और अच्छे से लिखना चाहेंगे अब क्या ठीक है और अच्छे से लिख देते क्या हो जाएगा वन पॉइंट टू एट अब जब ये पॉइंट हम आगे लिए तो क्या करेंगे एक और यहां पे पावर लेंगे टेन टू दावर सेवन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये क्या आ जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा आप कैलकुलेट करके देखेंगे एकदम एक्जेक्ट यही आंसर आएगा मैंने भी एक बार कैलकुलेट करके देख चुका है ताकि गलत ना हो ठीक है तो ये क्या हुआ हमने दो चीज निकाल ली अब हमें क्या करना है एक और चीज निकालना है जो वो थर्ड चीज निकालने बोला था क्वेश्चन में क्या मॉड्यूल ऑफ इलास्टिसिटी निकालने बोला था ठीक है वो भी निकाल लेते हैं ये देखिए क्या निकालने बोला था वो थर्ड चीज द ऑफ इलास्टिसिटी ये निकालने बोला था

Into 10 to the power 7. और जो स्ट्रेन था हमारा ये क्या कंप्रेसिव स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन सॉरी स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन 1.28 और स्ट्रेन कितनी आई थी हमारी 1.9 पॉइंट नाइन इंटू टेन टू दावर माइनस थ्री इसको आप सॉल्व करेंगे 10 टू दी पावर माइनस थ्री है तो वो क्या हो जाएगा ऊपर चले जाएगा और ऊपर जाके क्या हो जाएगा वो प्लस हो जाएगा तो 10 के ऊपर कितनी पावर रहेगी 10 के ऊपर पावर में क्या रहेगा 10 के ऊपर 10 रहेगा ठीक है तो कितना आएगा ये 0.67 ये दोनों को डिवाइड कर देंगे ना इनटू 10 टू दी पावर 10 ये आएगा और अच्छे से लिखेंगे इसको तो क्या हो जाएगा वो 6.7 10 टू द पावर 9 यूनिट कुछ रहेगी क्या बिल्कुल स्ट्रेन की तो कोई यूनिट नहीं होती है ठीक है स्ट्रेन की तो कोई यूनिट नहीं होती तो मतलब जो यूनिट आएगी वो किसकी आएगी स्ट्रेस की आएगी मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये क्या आ गया हमारा आंसर मतलब हमने एक क्वेश्चन में ई e भी निकाल लिया तो सिंपल सा क्वेश्चन था ये भी बस आपको फॉर्मुले में वैल्यू पुट करना है क्या मुश्किल था इस क्वेश्चन में सॉल्व करना ही बस फॉर्मुले में रखना थाजी था। तो है आप आराम से दो दो तीन तीन वैल्यू को पकड़ पकड़ के इंटू करेंगे, करेंगे अच्छे से लिखेंगे तो बिल्कुल बनेगा आपका कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं आप ठीक है तो अभी तक के लिए इतना ही थैंक यू नेक्स्ट वाला जो लेक्चर रहेगा उसमें हम कहां से शुरू करेंगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में हम अपना स्ट्रेस ट्रेन से शुरू करेंगे तो बिल्कुल बने रहे हमारे साथ सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करना बिल्कुल ना करें भूलें तो अभी तक के लिए इतना ही थैंक यू